तो कांग्रेस तो जो महाअधिवेशन चली रही है तो प्रियंका गांधी संबोधन कर रहा है, सीधा चाहिए था। इसके बारे में मैं कुछ एक दो अपनी बातें कहना चाहती हूँ। खास तौर से उन कार्यकर्ताओं के लिए जो देश भर में हैं लेकिन आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है? वो अनोखे लाल है जो इस झंडे को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। वो दिनेश है जो आज दिख नहीं रहा है, जो इसी तरह से देश के ध्वज को लेकर नंगे पांव चला। कल किसी ने नसीब पठान जी का नाम लिया, उत्तर प्रदेश के एक नेता थे, आजीवन कांग्रेस के प्रति उन्होंने निष्ठा दिखाई। उसी तरह से मैं कई नाम ले सकती हूँ। कल जब शोक प्रस्ताव हुआ, ईश्वर चंद शुक्ला जी का नाम नहीं लिया, लेकिन ईश्वर चंद शुक्ला जी, उनको टिकट नहीं मिला चुनाव में, फिर भी वे प्रचार किए और प्रचार करते करते उनका देहांत हुआ। मैं पच्चू पासी का नाम ले सकती हूँ जो रोज सुबह वही सफ़ेद जूते पहनकर गांव-गांव जाते थे, कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे, कांग्रेस का झंडा फहराए रखे, उनका भी देहांत हुआ। यूपी में हम मजाक में कहते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेस सफरर होता है। जो यूपी के कार्यकर्ता हैं ये समझेंगे ये बात। जो कार्यकर्ता आजीवन अपने वजूद के लिए संघर्ष करता है, वो मैं आज